भाई आप ये सब क्या कर रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे समझ में आने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो गलती की है ना, उसको मैं आज सुधार रही हूँ। तूने मेरे बेटी को पैसे नहीं देना, तेरे गहने मैं आज उसे देने जा रही हूँ, समझे? अभी तू मुझे रोक के दिखा, देखती हूँ मैं। आई अब रोक के दिखा तू। आई मेरी बात समझती क्या है? आई हाँ समझती क्या अपने आप को? शानी समझती है? ये सब क्या है ताई? तूने आई को रोका क्यों नहीं? उन्हें बताया क्यों नहीं कि तेरी कोई गलती नहीं थी? वो पागलों की तरह बड़बड़ करती रही। ये क्या कह रही है तू? तू किसके बारे में कह रही है? वो मेरी सास है। और एक बात और मत भूल, तू जिस घर में खड़ी ना वो उन्हीं का घर है। उन्हें पूरा हक है कि वो मुझसे कुछ भी कह सकती, लेकिन तू उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर, तू किस तरह बात कर रही है? जो क्या हुआ, तो इस तरह झगड़ा क्यों कर रही है? नहीं आई कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम। क्यों झूठ बोल रही है? बताती क्यों नहीं आई को सच क्या है? क्या सच बताऊं? कुछ बताने को भी होना चाहिए ना, कुछ भी मत बोल वर्षो प्लीज। ताई क्यों क्यों बिना किसी गलती के तू हमेशा गाली खाती रहती है? तेरी सास तुझे बिना वजह कुछ भी सुनाती है और तू वर्षो चुप कर प्लीज। मैं चुप नहीं रहूं, मैं आई को सब कुछ बताऊं। आई मैं बताती हूँ क्या हुआ। और सविता आई ने खामखा कुछ गलत फहमी कर ली और ताई को सुना दी खरी खोटी। और ताई भी देखना बिना वजह के सब कुछ सुनकर। गलती तेरी है वर्षा। एक नेकलेस नहीं खरीदती तो कौन सा पहाड़ टूटता, लेकिन आज इन पैसों की वजह से इसके परिवार में अनबन शुरू हो गई ना। जा तू सविता ताई से माफी मांग। हाँ शायद सही कह रही। एक मिनट भाई, तू उनसे माफी नहीं मांगी? जब तेरी कोई गलती नहीं है तो तू माफी क्यों मांगेगी? तू चुप कर, यहाँ पर वही होगा जो अर्चना को सही लगेगा। लेकिन आई तू मेहमान बनकर आई तो मेहमान बनकर ही रह। अर्चु जा माफी मांग। अरे मैम आपने मुझे यहाँ क्या बुलाया, कोई मीटिंग? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है तो सोचा मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर थोड़ी कॉफी पिला दूँ। बैठो। थैंक यू। सॉरी दीखे के साथ रहकर तुम पुलक्कड़ हो गए हो। तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? क्या तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि दीखे की सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने में तुम मेरी मदद करोगे, भूल गए? अरे मैम मुझे अच्छे से याद है, लेकिन यही बात तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं मानव, कॉफी फॉर यू। हाँ थैंक यू। मानव हमने डिसाइड किया था ना कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे, अगर ऑफिस में ये सब लेके बैठ जाएंगे और डीके को पता चल गया तो मेरी पूरी पार्टी की टाइट टाइट फिश हो जाएगी। तो मैंने कुछ नोट डाउन किया हुआ है। कम कम Here's your coffee. Okay, thank you. Okay, मानव हाँ। ये कुछ लिस्ट बनाई है मैंने डीके के बर्थडे पार्टी के लिए, तुम इसे एक बार देख लोगे तो it'll be good. Nice coffee. I told you. What's wrong? क्या हुआ? Tell me. मानव और अर्चना जी कहाँ गए? मैंने फोन पर तो इसी कॉफी शॉप का नाम सुना था। ये देखो
सामने ही बैठे। वाह धर्मेश, पहला स्ट्रोक तो सही बैठा है, अब मौका देखकर दूसरा स्ट्रोक लगा दे। यस धर्मेश, लेट्स गो। सर उस तरफ जगह खाली, शो वहां चलते। शो आइए प्लीज। डीके, हाउ आर यू? हाय। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। वैसे मैं और मानव यहाँ पर काम कर रहे थे, अब आप आ गए हैं तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। मानव सर, आप तो घर जाने वाले थे ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर जाऊँ या कहीं और, तुम्हें से क्या मतलब? सर लेकिन धर्मेश, मैंने मानव को यहाँ बुलाया है किसी काम की वजह से। आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। धर्मेश, व्हाई डोंट यू गेट टू द ऑफिस? आई विल सी यू देयर। श्योर सर। तू मेरे रूम में क्या कर रही है? मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे तुझसे बात करनी है। और कान खोल के सुन, आइंदा अगर तू मेरे रूम में दिखाई देगी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं है तुझे। आई मेरी बात तो बोलने का नहीं, बोलने का नहीं, समझी ना? तुझे जो करना है तूने किया, मुझे जो करना है मैं कर चुकी हूँ, बाकी मुझे कुछ सुनाने और जो भी सुनाने मेरे रूम के बाहर जाके सुनाना। चल चल निकल निकल पहली। दर्शन कराने के लिए। हाँ अर्जुन, वैसे सचिन भी जिद कर रहा था और मेरी भी बहुत इच्छा थी पापा के दर्शन करने की। आइए, तूने बहुत अच्छा किया, इन सबको लेकर जा। मैं भी आना चाहती हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगी, वो मानव अभी ऑफिस से आएंगे इसलिए। हाँ हाँ जानती हूँ जानती हूँ। वैसे चाहिए तो हम सोहम और सचिन को यहाँ पर रख कर जा सकते हैं, लेकिन हम सचिन सोहम को दोनों को साथ में लेकर जा रहे हैं ताकि तुझे और जीजू को थोड़ी प्राइवेसी मिले। चलो सचिन, चलो सोहम। मोरिया, तुमने सविता दाई से बात की? क्या कहा उन्होंने? आई तू तो जानती है ना कि आई कैसी मोम की तरह है। बस मैंने माफी मांगी और उनका दिल पिघल गया, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। आई बिल्कुल हंसकर झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बनता अर्जुन। तुझे मेरे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। और आज ही तू मानव से बात कर ले, उसे सब कुछ सच बता दे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सविता दाई को समझा देगा। मैं पापा के दर्शन के लिए जा रही हूँ ना, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी सब ठीक हो जाए। आज मैं इन सबको अपने साथ इसलिए लेकर जा रही हूं ताकि तुम दोनों को आराम से बात करने का मौका मिले। चलती हूं।
वो हार कम से कम 50,000 का होगा। 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे, क्यों? 2-3 महीने? ये हार तो हमारी पूरी जिंदगी खुशहाल बना देगा। अजीत, ये हार हार नहीं है, ये तो हमारी पहली जीत है। उस बुढ़िया के दिमाग में ना शक का कीड़ा गया है, तो उसने अर्चना से हार खींच लिया है। अब जैसे जैसे गलतफहमियां बढ़ जाएगी ना, पता नहीं अर्चना को क्या क्या खोना पड़ेगा। अजीत, सविता दाई, बात करो। हेलो, रसिका दाई, अजीत के लिए जो पैसे चाहिए था ना, वो आपको मिल जाएंगे। अरे ताई, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? जैसा हो रहा है वैसे होने दीजिए ना। वो आपके घर में अंधेरा करके मैं अपने घर में उजाला नहीं करना चाहती हूँ। रसिका ताई, आप भी ना। ताई, वो आपने अर्चना के गहने दे दिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं मानती हूँ मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इस तरह से पैसे जमा करना अच्छा नहीं लगता है ताई। आप अर्चना की गलती की इतनी बड़ी सजा आप। अरे आपने देखा ही क्या है ताई, आज देखो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब जाने भी दीजिए ना ताई। क्यों जाने दीजिए? आज इसको पता चल जाएगा इस घर की मालकिन कौन है। अभी मानव आने वाला है, उसके हाथों उसको अगर जलील नहीं किया ना, तो मेरा नाम सविता नहीं। लेकिन ताई, मानव आपकी बात मानेगा? हाँ, आखिर वो मेरा बेटा है। बाकी बातें ना सुनी हो, लेकिन अपनी आई और अपनी बहन की बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखते रहना क्या मजा आता है। रखो। क्या हुआ है? अजीत, देखो ना, सब कुछ कितना आसानी से हो रहा है। बेचारी अर्चना, उसको तो पता ही नहीं उसके भविष्य में क्या लिखा है। आई, तू यहाँ क्यों अकेले बैठी? बेटा, मेरा एक काम करेगा? ये क्या करेंगे तू? ये चुड़िया बेच के पैसे लाके। क्या बोल रही है तू? ये चुड़िया बेच के जो पैसे आएंगे वो अगर कम हो जाएंगे तो मैं ये कमरा भी बेच दूंगी, और उससे भी काम नहीं होगा ना तो मैं ये अपना पूरा घर भी बेच दूंगी। ये सब तो क्या बोल रही है? तुझे पैसे की जरूरत है मुझसे लेना, तो गहने बेचने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैं ये सब वंदु के लिए कर रही हूँ। अब उसकी शादी हुई है, तेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तू तो ध्यान नहीं देता। एक माँ होने के नाते तो मुझे उसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना बेटा। देख बेटा, अभी मेरे होते हुए वंदु गरीबी में जिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, मेरी बहू के पास इतना सारा है, लेकिन मेरी वंदु के पास कुछ नहीं है, और इसका जिम्मेदार है उसका पति अजीत। लेकिन बेटा, वो अभी सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पैसे की जरूरत है बिजनेस के लिए, इसलिए बेटा मैं सब कर रही हूँ। भाई, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा है ना। अरे मैंने बंधु से ऑलरेडी बात कर ली है, और मैंने अर्चना को बोल भी दिया उसको पैसे दे देना, उसने पैसे दे भी दिए होंगे। नहीं नहीं बेटा, अर्चना ने उसे पैसे नहीं दिए। मेरी वंदु उसके पास पैसे मांगने आई थी, तभी
अर्चना की बहन वर्षा वहां थी और उसको कोई जरूरी काम था, तो अर्चना ने पैसे निकाल के अपनी बहन को दे दिए और मेरी वंदु खाली हाथ चली गई। उसके लिए मेरी वंदु से उसकी बहन की जरूरत ज्यादा मायने रखती है। कैसे हो सकता है, मैंने खुद बोला अर्चना को पैसे देने को। अरे बेटा ऐसा ही हुआ है, मतलब अर्चना ने पैसे देने से इनकार नहीं किया, दो दिन रुकने के लिए बोला। लेकिन मेरी वंदु को रसिका ताई और अजीत की कितनी बातें सुननी पड़ेगी। मुझे लगता है अर्चना उसे पैसे देना ही नहीं चाहती, इसीलिए बहाना भी किया होगा उसने। ठीक है, वो तेरी बीवी है, तेरे पैसे पे उसका ही अधिकार है, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। एक मिनट, मेरी बात सुन। मेरे पे जितना अधिकार अर्चना का है उतना ही तेरा है, उतना ही वंदु का है। ठीक है, ये सब कहने अपने पास रख, मैं अभी बात करता हूँ, तो चिंता मत कर। तुमने वंदु को पैसे नहीं दिए? हाँ? चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ मानव? चलो मानव, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे बताइए तो सही। मानव मुझे कहाँ? वंदु के घर लेके जा, जितना भी सवाल करना ना वहाँ पूछ लो। लेकिन मानव, मानव उस घमंडी बॉस के सामने मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। एक दिन उसे मेरे हक का प्रमोशन देना ही पड़ेगा। कल से मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस जाया करूंगा। क्या हुआ विनोद? अरे मंजू, मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। पता है मैं सोच रही थी मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं। तबीयत तो ठीक ही लग रही है, दवाइयों ने काफी असर किया है, ऑफिस जाना शुरू ही कर देती हूँ। मंजू एक दो दिन और आराम कर लो, उसके बाद ऑफिस चले जाना। नहीं विनोद, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वैसे भी सिक लीव ली है वैसे तो, लेकिन पे तो कट ही रही है ना, और अब घर में काम संभालने के लिए नौकरानी भी तो आ गई। बेटर है कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पता है मैं सोच रही थी कि अब मैं छुट्टी तभी लूंगी जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, हम घूमने चलेंगे उसके बाद। मंजू मेरे प्रमोशन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है, अब मैं उसे किस मुंह से बताऊं मुझे प्रमोशन मिलना नामुमकिन है। नहीं नहीं, मैं उसे अभी कुछ नहीं बता सकता, मेरे इस प्रमोशन के साथ उसके कई सारे सपने जुड़े हुए हैं, अगर मैंने उसे सच्चाई बता दी तो वो बहुत उदास हो जाएगी। क्या सोच रहे हो विनोद? अरे कुछ नहीं मंजू, चलो सो जाते हैं, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। अरे क्यों हंस रही हो तुम? इसलिए हंस रही हूँ कि जब भी मैं तुम्हें घूमने जाने की बात करती हूँ तुम्हें नींद आने लगती है। बच्चे ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रहने दो रहने दो, बोलूंगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। अरे मंजू नहीं लगेगा, बोलो ना। रुचि और पुन्नी कहती है कि बाबा आजकल बहुत कंजूस हो गए। अब तुम सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। पता नहीं वहां क्या हुआ है, एक बार फोन करके पूछ लूं तो शायद। नहीं नहीं, इतने रात गए फोन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस तरह चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वर्चना बड़ी चालाक है, अब तक तो उसने मानो को मना भी दिया होगा, और अगर ऐसा है तो
कोई और रास्ता निकालना होगा। मैं देखती हूँ। से बात कर। हाँ बंधु। दादा वहिनी, इतनी रात को आप दोनों यहाँ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है इसलिए आया हूँ। बहुत गलतियां हुई जिससे मैं सुधारना चाहता हूँ। अजीत मुझे पता है कि तुम नया काम शुरू करना चाहते हो और मेरी बहन के सारे सपने तुम्हारे उस काम से जुड़े हुए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए जब चाहिए तुम उसे ले सकते। और जहां तक आज की बात है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आज घर आए थे और तुम लोगों को खाली हाथ जाना पड़ा। तो मन में कुछ कड़वाहट मत, मैं माफी मांगता हूं। और बंधु तू चिंता मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तेरे हर सपने पूरे होंगे। इसमें मेरी पत्नी मेरा साथ दे या ना दे। दादा आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं इसके ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे बोलने के बावजूद भी इसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। एक मिनट दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? वहिनी ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसे सुधारने के लिए आप इतनी रात को उन्हें यहाँ लेकर आए? आपसे किसने कहा कि वहिनी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था? समझी, आई ने आपको कहा ना? दादा कि आप आई को जानते नहीं है और आपने आई की बात पर यकीन कर लिया। दादा मुझे वहिनी ने पैसे देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें खुद कहा था कि वो पैसे जाकर वर्षा को दे दे, क्योंकि वर्षा को उसकी जरूरत थी। मुझे पैसे कल भी मिल जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपने बेवजह वहिनी को इतना कुछ सुना दिया। और वैसे भी अजीत का कामकाज 2 दिन के बाद शुरू होने वाला था। 2 दिन के बाद हम पैसे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने ही वहिनी को कहा था कि वो पैसे वर्षा को दे दे। इसलिए इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें वहिनी की कोई गलती नहीं बल्कि मेरी गलती। और दादा आपने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे वहिनी को इतना कुछ सुना दिया, इतना डांट दिया, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दादा मुझे वहिनी पर पूरा भरोसा है कि वो जानबूझकर कभी भी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। और एक बात और कि ये देखिए, ये वहिनी के गहने। वहिनी मुझे पैसे दे नहीं पाई तो आई ने ये गहने लाकर मुझे दे दिए। आई को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है वहिनी के बारे में, और उसी गलतफहमी की वजह से आई ने आपको भी भड़काया। दादा क्या आपको ये बात वहिनी ने आकर बताई? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूं वहिनी को कि वो गलत हो या ना हो फिर भी वो बर्दाश्त करती रहती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा, आई ने आपको कितनी खड़ी कोटी सुनाई, वो सब क्या कम था जो दादा ने भी आपको सुना दिया। और दादा आपके घर में 2 औरतें रहती, दोनों का नजरिया अलग अलग है, अलग अलग सोच है, दोनों ही मुझसे उतना प्यार करती हैं, दोनों ही मेरा उतना ख्याल रखती हैं जितना कि आप रखते हैं। और हाँ, आज के बाद जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं आपसे नहीं कहूंगी बल्कि वहिनी से कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं चाहे कुछ भी हो वहिनी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। और अब आप लोग यहां से जाइए, काफी रात हो चुकी है। और प्लीज मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह आकर आपसे खुद ही पैसे ले जाऊंगी।